हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तारम सर, आज आपके लिए मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के इकाई 2, जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, है ना। इसके अंतर्गत एक अध्याय है जिसका नाम है मांग एवं मांग का नियम, है ना। अध्याय 4 है मांग एवं मांग का नियम। ये मोस्ट आईपी प्रश्न भी बनता है, मांग के नियम से क्या आशा है। मांग के नियम को तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से समझाइए, है ना। इसी कारण मैं ये मोस्ट आईपी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और सबसे पहले मांग का नियम क्या कहता है इस बात को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध को बताता है, ना। मांग का नियम क्या बताता है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध को या उल्टा संबंध को बताता है, ठीक है। तो मांग का नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर इसका मतलब होता है उपभोक्ता की आय, आदत, व्यवहार, रुचि, फैशन, स्वभाव, ये सब कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ना ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। अन्य बातें समान रहने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मांग के नियम से क्या आशा है इसको सुनते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, है ना। जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यही क्या कहलाती है, मांग का नियम कहलाता है। आगे समझ, एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे क्या बोलते हैं। मांग का नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यही क्या कहलाती है, मांग का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी मांग के नियम की विस्तृत व्याख्या में जाते हैं। मांग के नियम की व्याख्या क्या कहता है, मांग का नियम सामान्यतः सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है, ठीक है। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति उत्तरोत्तर या अधिकाधिक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है, उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती चली जाती है, यही मांग का नियम कहता है ना। जो कि ये सीमांत उपयोगिता हास नियम है, है ना। तो इसी धारणा पर मांग का नियम लागू है ना। क्या बोलते हैं, उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता में क्रमशः कमी होने लगती है। चूंकि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य देने के लिए ही तैयार, है ना। चूंकि एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु के बदले, है ना, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। इसलिए वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ उपयोगिता में, इसलिए जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता जाएगा उपभोक्ता, है ना, तो वस्तु की उपयोगिता में, है ना, निरंतर क्या होती जाएगी, कमी होती चली जाएगी, है ना। वस्तु की जो उपयोगिता है उसमें निरंतर क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी, ठीक है। इसी कारण उपभोक्ता कम कीमत देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो आगे समझ इसकी व्याख्या, है ना। इसकी व्याख्या में बस इतना ही है कि मांग का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम की धारणा पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता चला जाता है वैसे वैसे उनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती चली जाती है, इसी धारणा पर आधारित है। तो आइए इसको हम तालिका के माध्यम से अच्छी तरह स्पष्ट करने का या समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तालिका को दिखाया गया है, देखिए यहाँ मांग तालिका को दिखाया गया है। तालिका में यहाँ सेब की कीमत को लिया गया है और यहाँ सेब की मांग को दिखाया गया है। तालिका को देखने से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि जब सेब की कीमत या वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपये है, है ना, तब सेब की मांग कितनी है, 60 सेब की मांग की जा रही है या 60 सेब खरीदी जा रही है,
ठीक है। यहाँ तालिका को देखिए, यहाँ सेब की कीमत सबसे कम, देखिए सबसे कम अर्थात 1 रुपया है, तो सेब की मांग सबसे अधिक अर्थात 60 सेब की मांग की जा रही है। इसी प्रकार जब सेब की कीमत 1 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 2 रुपये हो जाती है, तो 50 सेब की मांग की जाती है, है ना। इसी प्रकार क्रमशः सेब की कीमत है ना बढ़ती जाती है, बढ़कर एक सीमा ऐसी आती है 6 रुपये हो जाती है। सेब की कीमत सबसे अधिक कितनी हो जाती है, 6 रुपये हो जाती है, तो सेब की मांग भी घटकर सबसे कम 10 सेब हो जाती है सेब की मांग, ठीक है। अर्थात तालिका को देखने से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वस्तु की मांग क्या होती जाती है, घटती जाती है, है ना। तालिका को देखने से यही स्पष्ट होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। बस तालिका में ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना, ठीक है। अब तालिका का हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ प्रस्तुत रेखा चित्र में, देखिए प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स ये आधार रेखा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ओ और ये एक्स, ठीक है, ये आधार रेखा है। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर सेब की मांग को दिखाया गया है, ठीक है, और ओ वाई लंब रेखा पर ओ और ये वाई, ये जो लंब रेखा है खड़ी रेखा, ओ वाई लंब रेखा पर सेब की कीमत को दिखाया गया है। अरे समझ है ना, एक बार फिर से देखते हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर किसको दिखाया गया है, सेब की मांग को दिखाया गया है, और ओ वाई लंब रेखा पर सेब की कीमत को दिखाया गया है। रेखा चित्र में ये डीडी है ना, डीडी डी फॉर डिमांड, डिमांड मतलब मांग, ठीक है। रेखा चित्र में डीडी ये कौन सा वक्र है, मांग वक्र को बताता है, ठीक है। अब देखो रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है, जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, 6 रुपये है, वस्तु की कीमत कितनी है, 6 रुपये है, तो कितनी वस्तु की मांग की जा रही है, 10 वस्तु की मांग की जा रही है ना। रेखा चित्र को देखने से क्या स्पष्ट होता है, जब वस्तु की कीमत कितनी है, 6 रुपये है, 6 रुपये है, तो कितनी सेब मांगी जा रही है, 10 सेब मांगी जा रही है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत घटकर कितनी हो जाती है, 5 रुपये हो जाती है, तो वस्तु की मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 10 सेब हो जाती है, है ना। इसी प्रकार फिर वस्तु की कीमत क्रमशः घटते हुए जब 1 रुपये हो जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग या सेब की मांग सबसे अधिक 60 सेब की मांग की जाती है, ठीक है, है ना। अब इस रेखा चित्र को भी देखने से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, है ना। जब वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो मांग घट गई है, देखो, है ना। और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, देखो मांग घट गई है, यहाँ 1 रुपये है तो मांग क्या हो गई है, सॉरी कीमत घट गई है तो मांग यहाँ बढ़ गई है, आगे समझ, ठीक है। तो मांग का नियम यही बताता है। एक बार रेखा चित्र फिर से स्पष्टीकरण कर लेते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर क्या लिया गया है, सेब की मांग को दिखाया गया है। ओ वाई लंब रेखा पर सेब की कीमत को दिखाया गया है। रेखा चित्र में डीडी कौन सा वक्र है, मांग वक्र को बताता है, है ना। अब रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि जब वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यही मांग का नियम, आगे समझ, ठीक है। तो बस ये वीडियो आप लोग के लिए बस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम फिर आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा अपन वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।